तो आज की वीडियोस में आपको बताने वाला हूं आप मोबाइल से प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपके वीडियोस को व्यूज लाने में थंबनेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे से थंबनेल नहीं बना पाते, हर बार में बहुत कैसे भी करके थंबनेल बना देते। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं कैसे थंबनेल बनाता हूं और किस एप्लीकेशन के यूज से बनाता हूं, और लाइव आपको एक थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा। उससे पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो थंबनेल बनाने के लिए सिखाने वाला हूं वो एप्लीकेशन का नाम है फोनटो एप्लीकेशन। बेसिकली आपको एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, ये दोनों के लिए आपका जो ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक थंबनेल बनाया और ये थंबनेल जो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप लोग इस तरह से थंबनेल बनाते हो तो एक ना एक बार व्यूअर जो उस वीडियोस पे क्लिक करके देखेंगे। तो ये पूरा थंबनेल मैंने कैसे बनाया वो मैं इस वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से बताने वाला हूं, एक-एक चीजों को देखना, एक-एक स्टेप को देखना, कौन सा फॉन्ट मैंने यूज किया वो सारी चीजें मैं इस वीडियोस में कवर करने वाला हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले दोस्तों आप जैसे ही फोनटो एप्लीकेशन खोलते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मैं फिर से आपको खोल के दिखा देता हूं, ठीक है। मैं फिर से इसको बंद करता हूं, मैं फिर से इसको जो है खोल के दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे खोलता हूं फोनटो एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैमरा आएगा, फोटो एल्बम, प्लेन इमेज, प्रोजेक्ट, रीस्टोर प्रीवियस स्टेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्लेन इमेजेस पे क्लिक करना है। प्लेन इमेज क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री वाले इमेजेस भी आ जाएंगे, चाहे आप परचेज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ्री इमेजेस यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। इतना बड़ा साइज तो YouTube थंबनेल में लगता नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऊपर साइज का चार्ट दिख रहा होगा, 2048x2048, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये इतना हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको एरो का साइन दिख रहा होगा, एरो के साइन पे आपको क्लिक करना है और यूज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका हो गया। अब देखो अब आएगा मेन काम, ठीक है। अब देखो मेन काम आएगा, अब क्या करना है, इसको आपको सेव कर देना है। यहाँ पे एरो पे जाना है, सेव इमेज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। अब क्या करना है, आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फिर से प्लेन इमेजेस पे जाना है, ठीक है। अब प्लेन इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक और कलर सेलेक्ट करना है। वो जो कलर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, कोई भी ग्रेडियंट कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं करता हूं इसको, देखो मैं इसको करता हूं, ठीक है, ये कलर को करता हूं। यहाँ पे भी फिर से मैं जाके साइज को मैं अच्छे तरह से कर लेता हूँ, फेसबुक पे जाके उसके बाद फिर से मैं इसको यूज करता हूं। यूज करने के बाद इसको मैं यहां पे सेव कर देता हूं। ये हो गया हमारा सेव। अब क्या करना है, देखो ये हमें फिर अब बैक नहीं आना, हमें अब ऐसे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड इमेजेस पे क्लिक करना है। ऐड इमेजेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका इमेजेस है जो कि आपने पहले सेव करके रखा ब्लैक कलर का, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन वाला थंबनेल चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको डन कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब इसको हमें एरो के शेप में लाना है, ठीक है। एरो के शेप में लाने के लिए सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे और इसका जो साइज है थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे। साइज बढ़ाने के बाद थोड़ा सा टिल्ट पे जाएंगे, टिल्ट करने के बाद थोड़ा सा हमें इसका उल्टा सीधा थोड़ा सा नीचे ऊपर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भी जो अच्छे तरीके से कवर नहीं हो पाया, ठीक है मेरे भाई, अच्छे तरीके से ये कवर नहीं हो पाया। तो फिर से हम साइज पे जाएंगे और इसका जो हाइट है वो मैं बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा विड्थ बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा फिर से साइज में बढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा सा हाइट बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये इतना हमारा हो गया। तो अब क्या करना है, देखो अब आप देख रहे हो कि ये बहुत ज्यादा बेढंगा टाइप का लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये बेढंगा नहीं लग रहा। आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो ये काफी ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एरो पे आना है, उसके बाद सेव इमेजेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो इमेजेस है सेव हो गया, या फिर थोड़ा सा और इसको मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है। आपको एक देख लेना कि परफेक्ट कैसे बैठ रहा है, उसके बाद आपको सेव इमेजेस पे क्लिक कर देना है। अब आप सोचोगे कि अब क्या, तो अब फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, यहाँ पे प्ले फोटो एल्बम पे आप क्लिक करना है। फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद आपने जो इमेजेस को सेव किया है ना उसको यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेजेस ये है और एक इमेजेस ये है, तो मैं ये वाला इमेजेस को मैं उठाता हूँ। तो ये इमेजेस को मैंने उठा लिया, तो देखो पहले कैसे लग रहा था, अभी जो है थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ जो है एरो यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जो है एरो देंगे, मतलब कि साइड साइड में, साइड साइड में आप चाहो तो कलर भी दे सकते हो, बहुत सारे कलर। कलर देने के लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे भी जा सकते हो, कलर देना चाहो तो दे सकते हो। कलर देने के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एड इमेजेस पे जाना है, ठीक है। एड इमेज पे जाने के बाद आपको कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, मान लो कि मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद इसको साइज को जो है हाइट को जो है थोड़ा सा आपको कम कर देना है और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और उसके बाद ऐसे करके जो है मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी कलर का जो है आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे मैं विड्थ को कम कर देता हूँ और यहाँ पे हाइट को मैं कम कर देता हूँ, ऐसे करके
यहाँ पे आप बॉर्डर जो है आप दे सकते हो, जो कि थोड़ा सा ज्यादा अट्रेक्टिव लगेगा, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मेन आता है अब टेक्स्ट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी एक, अगर आप अपना इमेजेस डालना चाहते हो तो इमेजेस में आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एड इमेजेस पे जाता हूँ, यहाँ पे मान लो कि मैं ये इमेजेस डालना चाहता हूँ, ठीक है, ये इमेजेस डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इमेजेस को क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे साइज पे जाता हूँ, साइज को थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है ताकि अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाए और देखने में अच्छे लगे। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा साइज ज्यादा बढ़ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे मैं कम करूंगा, और ये जो हमारा इमेजेस जो है वो बैठ गया, ठीक है, इमेजेस जो है बैठ गया। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो एक और इमेजेस है जो कि मैंने थंबनेल आपको पहले थंबनेल दिखाया था, वो इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये है वो इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देख लो आप, थोड़ा सा इसका जो साइज है वो मैं यहां से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट काफी अच्छे से डालना है, कौन सा फॉन्ट कौन सा कलर आपको यूज करना है ताकि देखने में अट्रेक्टिव लगे। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ये है ग्रे कलर का, तो टेक्स्ट भी हमें थोड़ा सा अच्छा मतलब कि लाइटिंग कलर का चूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा कि हाउ टू CREATE क्रिएट, हाउ टू पहले लिखो, ठीक है, हाउ टू लिखो। फॉन्ट यहां से आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, तो बेसिकली मैं हेलविटिका न्यू का फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ जो कि काफी अच्छा मेरे को लगता है। आप चाहो तो और भी बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको हाउ टू करता हूँ, ठीक है। हाउ टू करने के बाद इसका मैं थोड़ा सा साइज जो है वो हम थोड़ा सा ये करेंगे, हाउ टू के बाद थोड़ा सा जो साइज है वो यहां से मैं करूंगा, ठीक है, हाउ टू। अब हम आते हैं क्रिएट पे, अब लिखेंगे हम क्रिएट CREATE क्रिएट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट लिखता हूं। अब क्रिएट का जो है साइज थोड़ा सा जो पहले वाला जो साइज है उससे हमें थोड़ा सा कम रखना है, थोड़ा सा जो साइज है वो कम रखना है। और इसका जो कलर है वो आप कलर यहां से चूज कर सकते हो, जितने भी कलर है। मैं फिर से बता देता हूँ कलर कैसे चूज करना है। आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ, येलो कलर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन इसको आप ज्यादा डार्क येलो बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ब्लू वाला जो आइकन है, ब्लू वाला जो कलर है, इसको आपको हल्का सा ऐसे कर दोगे, इधर जीरो पे ला दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्ट्रोक भी डाल सकते हो, अगर मान लो कि आपको स्ट्रोक डालना है तो स्ट्रोक आप ब्लैक कलर का डालना, कभी भी आप जो कलर, अगर मान लो आप येलो कलर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर डार्क कलर का ही आपको स्ट्रोक देना है। तो स्ट्रोक के लिए मैं यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, स्ट्रोक पे आओ, स्ट्रोक पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करो, यहाँ पे विद को आप जैसे ही बढ़ाओगे देखो यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं हल्का सा इसमें स्ट्रोक देता हूँ। अब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो मेरे भाई, बैकग्राउंड कैसे लगाना बहुत सारे लोगों को इसमें नहीं पता चल पाता है, तो मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड लगाने के लिए आप चाहो तो इस पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई भी ऐसे कलर चूज कर सकते हो, लेकिन आप स्टाइलिश बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, अगर आप स्टाइलिश बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, ठीक है, तो मान लो कि मैंने रेड बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ फिल और एबीसी दिखेगा, तो आपको एबीसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, देखो इस तरीके के मिल जाएंगे, इस तरीके के मिल जाएंगे, तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है। नहीं तो आप चाहो तो इस तरीके के भी बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे, तो बेसिकली मेरा जो फेवरेट है वो है, आप इसको ही यूज करना, काफी ज्यादा ये अच्छा लगता है। तो देखो हाउ टू क्रिएट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आएगा यूट्यूब चैनल, ठीक है, YouTube YOU। अब YouTube लिखने के लिए हम दो कलर में इसको यूज करेंगे, एक व्हाइट करेंगे और रेड करेंगे, ठीक है। तो यू मैंने लिख लिया, यू का मैं यहां से जो है कलर चेंज कर देता हूँ, कलर में व्हाइट करता हूँ, बैकग्राउंड में इसको मैं ब्लैक डालता हूँ, ठीक है। और इसका भी मैं वही बैकग्राउंड जो डालता हूँ, जो मैंने पहले डाला था वो मैं डालता हूँ यू, ये हो गया यू। उसके बाद मैं ट्यूब लिखूंगा TUBE, तो ट्यूब का जो मैं बैकग्राउंड रखूंगा वो रखूंगा मैं रेड, और रेड रखने के बाद मैं इसका भी बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छा, मेरे आप खुद देख रहे हो, एक तरह से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये बैकग्राउंड लग रहा है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट यूट्यूब। अब नीचे चैनल, चैनल हमें लिखना है CHANNEL। देखो कभी भी थंबनेल बनाना है तो ज्यादा घिसमिस नहीं करना है, ऐसा बनाना है कि लोगों को समझ में आए कि आप किस चीजों के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे बनाने वाले हो, बताने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको चूज करता हूँ, स्ट्रोक को मैं यहाँ पे ब्लैक हल्का सा डालूंगा, इसमें ज्यादा स्ट्रोक हमें नहीं डालना है, स्ट्रोक जो है आप इसमें आप 7 से 8 डालो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आपका कलर जो है ये मैं ये चूज किया हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में ब्लैक डालता हूँ, ठीक है, और वही फिर फिल करके ऐसे, ठीक है,
हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो देख लो आप खुद, देखो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कुछ एरो का पीएनजी है वो आप इसमें डाल सकते हो, वो सारी चीजें डाल सकते हो, लेकिन ऐसे ही आप देख लो तो काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दोस्तों आप फोन टू एप्लीकेशन की मदद से काफी अच्छा एक थंबनेल बना सकते हो। दो एप्लीकेशन मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, एक पिक्सल लव, एक फोन टू, लेकिन अभी मेरे को फोन टू काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका इंटरफेस भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों ऐसे करके आप एक थंबनेल बना सकते हो अच्छा और अपने यूट्यूब चैनल को काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।